बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ। बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, किडी पार्टी, केटरिंग, विशाल पार्किंग एरिया। एक पत्नी ने पति को अफसर बनाने के लिए घरों में बर्तन साफ किए, एक एक पाई जोड़कर पैसे जुटाए, लेकिन जब पति कमर्शियल टैक्स अफसर बन गया तो उसने पहली पत्नी से बेवफाई कर दूसरी महिला से शादी कर ली। ये मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले से सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिले के बागली क्षेत्र में आर्या की रहने वाली ममता और अलीराजपुर जिले में रहने वाले कमरू हटीली ने कोर्ट मैरिज की थी। कमरू ग्रेजुएट था लेकिन उसके पास नौकरी या रोजगार नहीं था। ममता ने उसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। कमरू ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म और किताबों आदि का पर खर्च होने वाली राशि की बात अपनी पत्नी से कही। ममता ने कहा कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्च वह उठाएगी। पति की पढ़ाई के लिए उसने काफ़ी संघर्ष करके उसके लिए किताबें नोट्स खरीदे और परीक्षा पास करने के बाद वह कमर्शियल टैक्स अफसर बन गया और उसकी पोस्टिंग रतलाम जिले में हो गई। इसी बीच वह एक दूसरी युवती के संपर्क में आ गया और उससे दूसरी शादी कर ली। वहीं इस मामले में ममता का कहना है कि वह फिर भी उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन साथ नहीं रखना चाहता, जिसके चलते कोर्ट में वाद दायर कर दिया है। वह गुजारे के लिए हर महीने 12,000 रुपए भी नहीं दे रहा है, उसे न्याय चाहिए। वहीं ममता के वकील सूर्य प्रकाश गुप्ता का कहना है कि दायर वाद की सुनवाई के दौरान पति ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि ममता उसकी पत्नी है और इसे साथ रखेगा और नहीं रखने पर उसे हर महीने 12,000 रुपए देगा, लेकिन अब वह इससे भी इनकार करने लगा है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। गौरतलब है इस तरह का मामला बरेली जिले से भी सामने आया था, जिसमें एक महिला ने SDM बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया और वह दूसरे के संपर्क में आ गई थी। उनके सामने मेरी बेइज्जती करी इसने फोन लगा के कि ये बर्तन वाली बाई है, तो तेरे को मैंने जब लोगों के यहाँ बर्तन मांज मांज के पढ़ाया लिखाया जब बाई नहीं थी और जब मैं एक बच्चे की माँ नहीं थी और अब तो अधिकारी बनने के बाद में एक बच्चे की माँ हो गई और अनपढ़ हूँ और बर्तन वाली बाई हूँ। सिंगरौली रहने के बाद फिर इन्होंने जो इनको वेटिंग में डाला था वो निकल गए, इसके क्लियर हो गया तो फिर रतलाम हुई इनकी पोस्टिंग। फिर रतलाम रहे हम, रतलाम होने के बाद रतलाम में भी हम दो एक साल रहे। उसके बाद इनका किसी से चक्कर चल गया, उसके बाद मेरे को इन्होंने 1.5 साल तक परेशान करा, 1.5 साल तक परेशान करा। जब भी मैं इनको छोड़ के नहीं आई, नहीं आई मैं इनको छोड़ के, उसके बाद मेरे को इसने झूठ बोल के मेरे घर भेजा कि अपन प्लाट ले रहे हैं तू जा वहाँ पे बातचीत करके आना। तो मैं वहाँ गई और जब फोन लगाया बोले मैं तेरे को नहीं रखूँगा, तू अनपढ़ है, तू गवार है, तू ऐसी है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा करके मेरे को घर भेज दिया। ठीक है, मैं यहाँ रही, मेरे को लेने नहीं आया, वहाँ पे ताला लगा के उसके घर भाग गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ SDOB साहब के यहाँ काम करा, SDOB साहब के यहाँ मैंने खाना बनाया, फिर उन्होंने SDOB साहब ने छोटा सा आवेदन लिखा, फिर उन्होंने समझाने के लिए उसको बुलाया यहाँ पे, फिर वो बोलता कि उसके वकील को लेके आया फिर समझाने के लिए कि बोले नहीं आपके बाद मेरे से कुछ गलती नहीं होगी कि मैं इसको रखूँगा हमेशा के लिए। SDOB साहब ने पूछा आपका किस बात से विवाद होता है, तो बोले सिर्फ कुछ नहीं, बोले कि बच्चे के पीछे होता है, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो बच्चे नहीं। तो ठीक है, आप बच्चे आपकी तैयारी कर रहे तो नहीं, लेकिन अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर के लिए रखूँगा। ऐसा करके ये मेरे को ले गया यहाँ से। उसके बाद फिर 4 महीने रखा, 4 महीने बाद रखने के बाद ये फिर भागा छोड़ के मेरे को, फोन लगाया बोले मैं नहीं पहचानता तेरे को कौन है। उसके बाद बोला मैं नहीं रखना चाहता तेरे को जहाँ जाना वो चले जा। मैंने बोला मेरे को मकान की चाबी दे दो, तो मेरे को चाबी नहीं दी इन्होंने, चाबी नहीं दी, बोले मैं आ रही हूँ घर, तो बोले यहाँ आएगी तो तेरे को मैं मरवा दूंगा, मेरे घर आएगी तो तेरे को मरवा दूंगा। तो सर मैंने घर नहीं गई, फिर सीधे गई रतलाम और मकान मालिक से पूछा कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो मकान मालिक ने बोला कि बेटा तू ताला तोड़ दे। ताला तोड़ के मैं रही 1 महीना भर तक रही, उसका इंतजार करा। फिर उन्होंने मकान मालिक को बोल दिया फ़ोन लगा के कि ना मैं रहने आऊँगा, ना इसका किराया दूंगा, ये इसका सामान लेके कहाँ भी जाए। फिर मैं रतलाम थाने में गई तो वहाँ फिर मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं गई तो कोई ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसके बाद मैं वापस यहाँ आई, SDOB साहब ने फिर मेरे से वो आवेदन बनवाए, फिर मेरे को सबदूर डाला, फिर मैं वो एक बार और गई रतलाम। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, बैग, डॉर्मेट्री,
बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ तीन गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP, फोन 9302290822।